हे गाइस, मेरे को फ्यूचर की जन्म से मैं मोहम्मद वसीम। जो हमारी वीडियो सीरीज है वो स्टार्ट है। इसमें हम फर्दर मूव करते हैं कि किस तरह से हम इसको, ये नेक्स्ट टूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। वे पॉइंट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था उसमें हमने इसके जो टूल थे वो एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो अपना सॉफ्टवेयर उसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो फ्लोर है उसको ड्रॉ करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसको हम रेंडर करते हैं। तो हम ये इस टूल्स के बारे में सीखेंगे किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्रिएट न्यू वे पॉइंट। ये इसका यूज़ करते हुए हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक स्टार प्रोड्यूस होगा इस तरह से। तो जिस तरह जितने हम स्टार हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इसका यूज़ करते हुए। जो हमारा करेक्टर है वो उस तरह मूव करेगा कि जिस तरह हम इन स्टार को इस तरतीब में आप इनको यूज़ करेंगे। जिस तरह आप इन स्टार को मूव करवाएंगे आपका जो करेक्टर है वो भी उसी तरह ही मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टार है तो मैं ड्रा करता हूँ और इस वे पॉइंट में क्लिक करता हूँ। करने के बाद इसका मूव करवाते हैं, हमारा स्टार को मूव करवाते हैं यहाँ पे। मूव करवा सकते हैं तो आप माउस के जरिए आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो करेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से मूव होता हुआ यहाँ पे आएगा और फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो इसके जरिए आप जो आपका करेक्टर होता है आप उसको मूव करवा सकते हैं कि किस तरह जो आपका करेक्टर है वो मूव करेगा। तो इसके जो नेक्स्ट टूल है ये वाला वे पॉइंट है, इसको के जरिए आप इसको एडिट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप इसको मूव करवा सकते हैं कि किस तरह जो आपका करेक्टर है वो मूव करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है टेस्ट लेवल। अगर आपने गेम क्रिएट कर ली है कम्प्लीट तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से जो आपकी गेम है वो काम करेगी। और इस पे जो हमारा प्रीव्यू है इस पे भी हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी गेम है वो काम कर रही है। पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस टूल को यूज करते हैं टेस्ट के जरिए। ऑब्जेक्ट है या मैं इसको ऐड करता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कितनी स्पीड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आप देख सकेंगे जो हमारी गेम है जो कि हमने सिंपल ड्रॉ की है टेस्ट लेवल में वो इस तरह नज़र आएगी। ड्रॉ किया वो हमें इस तरह से नज़र आएगी। ये इसका टेस्टिंग लेवल है। डिक्रीज हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो हो चुकी है। जैसे कि जो हमारा लेवल है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। तो इसे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होंगे उसमें हम इसके फर्दर इन प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम इसकी जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप उसे लाजमी विजिट कीजिए। और जो हमारी वेबसाइट है इसको अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।